गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज आपको हम समझाने जा रहे हैं एचसीएफ फाइंड करना, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें कुछ डिजिट दिए हैं, उनके क्या निकालना है? सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। क्वेश्चन है 32 एंड 16। सॉल्यूशन स्टार्ट। इन दोनों का क्या करना है? सबसे पहले हम अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले किसके फैक्टर्स हमें फाइंड करना है? 32 के। तो 32 के निकालेंगे फैक्टर। सबसे पीछे लास्ट में क्या है? 2। तो इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 6 जा 12। फिर 2 से किया तो 2 8 जा 16। फिर 2 से किया तो 2 4 जा 8। फिर 2 से दिया तो 2 2 जा 4 और फिर 2 से दिया तो 2 बन जा 2। इस तरह से 32 की क्या निकाला है हमारे ये फैक्टर्स। अब हमें किसके निकालना है? 16 का फैक्टर्स निकालना है। 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 से दिया 2 4 जा 8, 2 से किया 2 2 जा 4, फिर 2 से दिया तो 2 बन जा 2। इस तरह से 32 और 16 दोनों नंबर की क्या निकालना है? फैक्टर्स। अब 32 के फैक्टर्स को लीजिए, कितना है? 2 1 2 3 4 5। 5 हर्स 2 लिख रहे हैं यहाँ पर। 5 टाइम्स 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद हम किसके लिखेंगे? 16 के फैक्टर लिखना है यहाँ पर। 1 2 3 4 2 टाइम्स वो लिख लिया है। कॉमन लिखने कौन कौन आता है? कॉमन ये कॉमन आ गए हमारे, ये हो गए कॉमन, ये कॉमन हुआ और ये कॉमन हुआ। अब इनका क्या ले लेंगे? अपन दोनों में से एक एक को ले लेंगे। यहां से 2 लिया, यहां से भी 2 लिया हमने, यहां से भी 2 और यहां से भी 2। सबका क्या कर देंगे आपस में? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। सभी को समझ में आया? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यदि आपको इसमें कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन हम कैसे फाइंड करते हैं। 48 and 56, इसका हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ समझा दिया क्या आपको? एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब हुआ फैक्टर। सॉल्यूशंस, सबसे पहले 48 क्या निकालना है हमें? फैक्टर। 2 से करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से किया 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। 2 से किया 2 6 जा 12, 2 से किया 2 3 जा 6। फिर 3 का 3 से ले ली, 3 बन जा 3। अब किसका निकालना है? 56 का। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से दिया तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से दिया 2 7 जा 14 और फिर हमने किससे दिया? 7 से बारह। अब नीचे 48 के फैक्टर को लिखना है, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ओके। 56 का लिखना सीखे नीचे, 2 into 2 into 2 into 7। अब हमें क्या करना है? कॉमन कॉमन देखना है, जो ऊपर डिजिट है वही डिजिट हमें नीचे मिलना चाहिए, वो कहलाता है कॉमन। तो ये हमारा कॉमन हुआ है, ये कॉमन होता है और ये कॉमन हुआ है।
द कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका निकालना था हमें 48 एंड 56 इज कितना निकला है 8 इज 8 तो 56 और 48 का हमने हाईएस्ट कॉमन निकाला कितना आया हमारा 8 आपको आंसर में ऐसा लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 56 इज 8 सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चंस आगे क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ